खैर मकदम है आप सभी का सच न्यूज नेटवर्क के लाइव ब्रॉडकास्ट में और आपके साथ में हुलोन सुलेमान। आप तक एक बड़ी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो खबर है वो शेर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हुर्रियत के जो दफ्तर या कहिएगा हेडक्वार्टर जो राजबाग में कायम है उसे UAPA के तहत अटैच किया है। यह बड़ी खबर शेर श्रीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दूं कि NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली के एक कोर्ट में ये जो है अर्जी दायर की थी कि जो हुर्रियत का दफ्तर है हेडक्वार्टर राजबाग श्रीनगर में है, वहां पर जो है मुल्क के खिलाफ साजिशें की जाती है, नौजवानों को जो है भड़काने की जो है मीटिंगें की जाती है, या फिर यूं कहिएगा कि वहां पे फंडिंग के हवाले से पथराव को फंडिंग के हवाले से ये है जो है वहां पर साजिशें की जाती है। लेकिन कल जो है हटियाला जो है दिल्ली के हटियाला कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है श्रीनगर राजबाग में कायम हुर्रियत के जो हेडक्वार्टर है उसे UAPA के तहत जो है अटैच किया जाए, और आज ही जो है संडे के सुबह ही वहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची या फिर जो है वहां पर पहुंचकर उन्होंने UAPA के तहत जो है श्रीनगर में कायम हुर्रियत के जो दफातर है उसे जो है UAPA के तहत अटैच किया। और साथ में ये भी बता दूं कि आपको कि जो उस दफ्तर के मालिक थे नईम अहमद खान, उसके हवाले से आपको बता दूं कि जो नईम अहमद खान थे उसके खिलाफ पहले ही फंडिंग केस अदालत में जेर उल्तवा था, लिहाजा उस जायदाद को भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है अटैच किया गया है। ये एक बड़ी खबर निकलकर शेर श्रीनगर से सामने आ रही थी, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो हुर्रियत के दफ्तर था या हेडक्वार्टर कहिएगा जो राजबाग में कायम था उसे UAPA के तहत आज जो है अटैच किया है। ये एक बड़ी खबर थी जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की। एक अपडेट जो शेर श्रीनगर के राजबाग इलाके से सामने आ रही थी हमने आप तक पहुंचाया। मजीद खबरों और अपडेट्स के अलावा बने रहिएगा सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे दीजिए जगह इजाजत, इसलिए फिलहाल इस पर इतना ही।